बेगम, आपकी ये हालत शहनाज ने हम आगे मत बढ़ना जलाल, वरना अपनी सबसे चहेती बेगम से हाथ दो भेंट हो गए। एहसान फरामोश, जिसने तुझे सहारा दिया, तुझ पर यकीन किया, तू उसी के साथ दगाबाजी कर रही है। दगाबाजी? दुनिया का सबसे बड़ा दगाबाज हमें नेकी सिखा रहा है। आगे बढ़ने की कोशिश की ना जलाल, अपनी बेगम को खो दोगे तुम। क्यों कर रही तुम ऐसा? क्यों करी उनके साथ गद्दारी? गद्दार तो तुम हो जलाल, तुमने गद्दारी की है अपने अब्बा से, उनके आखिरी हुक्म से। शहनाज, ये शहनाज नहीं है, निगार है, चांद बेगम की बेटी, आपकी बड़ी बहन। ऐसा लगता है कि आपने चांद बेगम को बंदी बनाया है, इसलिए ये यहाँ पर प्रतिशोध लेने आई है। चौंकने की जरूरत नहीं है जलाल, तुम्हारी बेगम बजा फरमा रही है। हम निगार हैं, चांद बेगम की बेटी और इस तख्त की वारिस। तुम हमारी बहन हो। बदकिस्मती से हम तुम्हारी बहन हैं। तुमने सारे निशानात मिटा दिए ना जलाल, हमारी अम्मी जान तक पहुंचने के, लेकिन मरहूम शहनशाह हुमायूं और चांद बेगम की बेटी, उनकी आखिरी निशानी नहीं मिटा पाई। हमने अपनी अम्मी जान को खोज लिया और उन्हें जल्द से जल्द हम वहां से आजाद भी कर देंगे, और तुम्हें इस दुनिया से। लेकिन हम तो जानते भी नहीं कि चांद बेगम कहाँ है, हम खुद उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। झूठ बोल रहे हो तुम, झूठ बोल रहे हो। ये देखो, ये फरमान मरहूम शहनशाह हुमायूं और हमारे वालिद साहब के जरिए इस फरमान में लिखा है कि इस गद्दी पर हक हमारा, तुम्हारा नहीं, और ये गद्दी तुमसे ना छिन जाए इसलिए तुमने हमारी अम्मी जान को कैद करके रखा हुआ है। ये फरमान तुम्हें चाहिए था ना, लेकिन बदकिस्मती से ये हमारे पास है। मगर हमें तो इन चीजों के बारे में मालूमात भी नहीं है, हम तो ये भी नहीं जानते थे कि तुम हमारी बहन हो। झूठ है ये सब कुछ जानते हो और दुनिया से छुपाना चाहते हो, इसलिए कुछ नहीं कह रहे हो। अगर तुम्हें नहीं पता होता कि हम कौन हैं, तो तुम हमारी अम्मी जान के बदले में हमारा कत्ल करवा देते जलाल, या फिर तुम हमें भी कैद कर देते, जिस तरह से तुमने हमारी अम्मी जान को सालों से कैद में रखा है। उस दिन जहर से तो तुम बच गए थे, लेकिन कब तक बचोगे? जंग में हमारे हाथों शहीद होना है तुम्हें। मैं यहाँ भागने या छिपने नहीं आई थी, बल्कि तुम्हारा खात्मा करने आए। हम वो सब कुछ हासिल करेंगे जिस पर हमारा हक है, हमारी अम्मी जान का हक है। तुम्हें बर्बाद कर दूंगी जलाल। अब ठीक तो है? जी शंशा, ठीक है। शहनाज को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, उसका कत्ल कर देंगे हम। नहीं शंशा, आप ऐसा नहीं करेंगे। शहनाज को भले भ्रम हुआ है, परंतु वो आपकी बड़ी बहन है, आप यूं ही उसे समाप्त नहीं कर सकते। आप हमारी चिंता मत कीजिए और जाइए, इससे पहले कि वो आपको शत्रु समझकर आप पर प्रहार करे। आप जाइए।